अज की सरकार जी नूं पंजाब दे लोकां ने चुनिया वो धियां भैणां साडियां साडियां भैणां बेटियां पोखड़ताल ते बैठियां ने उन्हां नूं कोई शर्म नहीं। बड़ी छोटी गल जिहड़ी कोई गल ही नहीं कि पंजाब लिआंदा जावे ते उन्हां रिहा किया जावे। उन्हां दा समां भी पूरा होण वाला है। इसे जथेदार भाई जगतार सिंह हवारे नूं 30 सालां तों फड़ के अंदर कर दिता जांदा है। साडा उपरदा आगू भाई अमृतपाल सिंह नूं डिब्रूगढ़ भेजा जांदा है। इहदा कारण सानू कारण जिहड़ी साडी फुट उह वी है। बहुत सत्कारयोग भाई अमृतपाल सिंह जी दा परिवार, माता जी, पिता जी, दूसरे सारे बंदी सिंह उन्हां दे परिवार जिहड़े तसीहे झर रहे हन ते पंथ दे दर्दी भैणों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जो स्टेज सैकटरी साहब ने समां दिता है वो तो घट समय च तुहानूं एक दो बेनतियां करके खिमा चाहांगा। बहुत सोहणे लफ्ज़ां च भाई अमरजीत सिंह जी ते मैथों पहलां भाई चंचल सिंह जी बोल रहे सन सिखां दे इतिहास बारे, देश दे लई जो असीं कुछ कीता वो जिहड़े इत्थे बैठे असीं सारे जाणदे आ। मैनूं इक गल दा बड़ा वड्डा भरोसा है, अज जो हालात साडे नाल वापर रहे हन वो बहुत माड़े हन। भाई अमृतपाल सिंह वर्गियां दा कोई कसूर नहीं सी। थाणा भी एक जनतक जगह है, जे उत्थे चले गए जे कोई दो बंदे धक्को धक्की हो गए ते वध तों वध 57 बनदी है। डिब्रूगढ़ जे भेजण दी NSA लाउण वाली कोई कहानी नहीं सी। उहदा इक्को इक कारण कि नौजवानां दा उहनूं सहयोग मिल रिहा सी ते पंथ दी विच कोई भी सरकार पंथ दी लीडरशिप जां पंथ दी एकता नहीं चाहुंदी। मैं बेनती करां कि साडियां मुश्किलां बड़ियां वड्डियां हन, वो बिल्कुल नजायज रखे गए हैं। अज की सरकार जी नूं पंजाब दे लोकां ने चुनिया वो धियां भैणां साडियां साडियां भैणां बेटियां पोखड़ताल ते बैठियां ने उहनां नूं कोई शर्म नहीं। बड़ी छोटी गल जिहड़ी कोई गल ही नहीं कि पंजाब लिआंदा जावे ते उहनूं रिहा किया जावे। उहनां दा समां भी पूरा होण वाला है। मैं इक्को बेनती करके तुहाडे चरणां च सारी संगत दे ते जिम्मेवार सिंघां दे सरदार जसकरन सिंह हुरी इत्थे बैठे हन, बड़े हो उद्यमी हन, दूजे सारे प्रबंधक दे शहीदां दे परिवार ते बंदी सिंघां दे परिवारां दे चरणां च इक बेनती करना चाहुंदा है कि कारण की है, साडे नाल इह हालात क्यों वापर रहे हन। सतगुरु ने गुरबाणी च फरमाया है, बाल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत पाए। सतगुरु ने इहदा जवाब दिता अगली तुक दे विच, बल हुआ बंधन छुटक्यो सब कुछ होत पाए। साडा बल की है, साडी बल साडी एकता है। वो साडी एकता टुट गई भावें कोई शंभू बार्डर के उत्ते बैठा है, वह भी किसान आ, वह भी अकाल तख्त तो अरदास करके जाते हैं। तो जिहड़े इत्थे बैठे आ वह भी किसान आ, वह भी अकाल तख्त अरदास करके बैठे हैं। कोई भाई जथेदार जगतार सिंह हवारा ते दूजे सारे सिंघां लई मोहाली दे विच मोर्चा लग्गिया है। कोई सरदार जसकरन सिंह हुरी भी अपने तौर पर भी लड़ रहे हैं, इत्थे भी साथ दे रहे हैं। सरदार मान भी बरगाड़ी ते लड़ रहे हैं। असीं बहुत थावां ते वंडे होए हैं। सतगुरु कृपा कर अज जिहड़ियां साडियां संस्थावां हन अकाल तख्त जां होर संस्थावां जिन्हां दा हुक्म साडे लई रब्बी हुक्म सी, उह संस्थावां दा भी उह प्रभाव नहीं रहा। मैं उस वाद विवाद वाला कोई लफ्ज़ नहीं वरतना जिहड़े करके उह प्रभाव घटिया, उह असीं सारे जाणू आ। गुरु कृपा करन असीं गुरु दे चरणां, श्री गुरु रामदास महाराज दे चरणां च जिहड़ी इक रब दी जगह है उत्थे इकट्ठे होए, उह आप ही कृपा करके पंथ दी बौड़ी करन, पंथ दी बांह फड़न, साडे ते तरस करन। साडे सारे बंदी सिंह भावें उह डिब्रूगढ़ जेल च बैठे आ, भावें कोई तिहाड़ जेल च बैठे आ, साडा कोई जथेदार नूं चक के भाई गुरदेव सिंह अरगे नूं कतल कर दिता जांदा है, किसी जथेदार भाई जगतार सिंह हवारे नूं 30 सालां तों फड़ के अंदर कर दिता जांदा है, साडा उपरदा आगू भाई अमृतपाल सिंह नूं डिब्रूगढ़ भेजा जांदा है। इहदा कारण सानूं कारण जिहड़ी साडी फुट उह वी है। जे असीं इक दिन साडी 3 करोड़ वसों आ, जे असीं 1.5 करोड़ आपदे घरे खड़ के ही अपने घरे खड़ के आपदे बार दे कोठे ते चढ़ के झंडा हिला दईए, कल्लियां रिहाइयां नहीं, असीं सरकार दीआं जड़ां हिला सकदे हां। जे उदू अद्धी भी 75 तों 30 लख भी असीं सारे संसार ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪ ਬੋੜੀ ਕਰਨ, ਪੰਥ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।